छोटीलाल हत्याकांड के मुख्य दो आरोपी पुलिस के हिरासत में। आपको बता दें, शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दो हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हाल ही में कुछ दिन पूर्व खोड़ चौकी के ग्राम विजयपुर में एक परिवार के लोगों पर कुछ लोगों के द्वारा लाठी, सब्बल व कुल्हाड़ी से हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति छोटीलाल के इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई थी, जिसके चलते परिजनों ने खोड़ चौकी का घेराव किया, लाश को चौकी परिसर में रखकर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद सभी आसपास के थानों की पुलिस व करेरा एसटी ओपी शिव नारायण मुकाती और पिछोड़ एसटी ओपी प्रशांत शर्मा ने परिजनों से बात की, जिस पर परिजनों के द्वारा आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी एवं प्रशासन के द्वारा आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की गई। पिछोड़ एसटी ओपी प्रशांत शर्मा के द्वारा परिजनों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए गए और खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता के द्वारा पिछोर एसटी ओपी प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए संभावित अनेक स्थानों पर तलाश की गई, जिसके चलते हत्या के आरोपियों में से मुख्य दो आरोपी सूर्य प्रताप उर्फ छोटू लोधी पुत्र ओम प्रकाश लोधी उम्र 22 साल ग्राम विजयपुर एवं संतोष पुत्र प्रीतम लोधी उम्र 28 साल निवासी ग्राम सरसों थाना मोल को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण कार्यवाही में भोती थाना प्रभारी निरीक्षक गीतेश शर्मा, खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता, प्रधान आरक्षक सरदार सिंह चौहान, एएससी आनंद सुनहरी, आरक्षक संजय, आरक्षक सुखबीर, आरक्षक रवि, आरक्षक वीरेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खोड़ से आबिद बख्श की खास रिपोर्ट।